उत्पादों पर अब वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है। दरअसल अलग अलग राज्यों के मंत्रियों के एक गुट ने वित्त मंत्री से इस बात पर सिफारिश की थी कि कुछ उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिसके बाद वित्त मंत्री ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में जल्द ही आपको इन उत्पादों में 5% जीएसटी अदा करनी होगी। हालांकि ये उत्पाद वो हैं जो पहले से पैक होकर आते हैं। वहीं बता दें, प्री पैक मीट, मछली, दही, पनीर, शहद, सूखी फलीदार सब्जियां, सूखा मखाना, अनाज एवं दालें, गुड़, लाई पर 5% जीएसटी लगेगा। इन चीज़ों के अलावा जैविक खाद और कारपीट खाद को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इस पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। वहीं बैंक जो चेक जारी करेंगे उस पर लगी फीसदी पर भी 18% जीएसटी लगेगा। वहीं मानचित्र चार्ट एटलस पर भी 12% जीएसटी लगेगा। हालांकि जो उत्पाद पैक होकर नहीं आते हैं या जिन पर लेबल नहीं होता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं होटल के कमरे का किराया अगर 1,000 रुपये प्रतिदिन के अधिक है तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने सुझाव दिया है कि खाद्य तेल, कोयला, LED बल्ब, प्रिंटिंग इंक या फिनिश्ड लेदर, सोशल वाटर हीटर को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। बता दें कि काउंसिल के दूसरे दिन की बैठक में गैर भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ ने मांग की है कि राज्यों को जीएसटी का 70-80% हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि मौजूदा समय में 50% है। इसके साथ ही 2,00,000 रुपये से अधिक के गोल्ड, ज्वेलरी और महंगे स्टोन्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बिल को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।